ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਬੈਲਸ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਦ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਯਰ ਫਿਊਚਰ। ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਮੈਂ ਕਪਿਲ ਪਾਟੀਆ ਬੈਲਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। अज मैं स्टूडेंट्स को दसना चाहना, जिहड़े स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं उन्होंने सानू बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सानू एम्बेसी नू इनफॉर्म करना चाहिए या नहीं इनफॉर्म करना चाहिए, कि साडे रिजल्ट्स ते इंपैक्ट करेगा। तो मैं दसना चाहना कि उन्होंने दसन की बिल्कुल लोड़ नहीं। अगर असी अननेसेसरी वेब फॉर्म रेज करते रहे उन्ने ही साडे रिजल्ट्स डिले होणगे। वो स्टूडेंट्स चुप करके बैठे रहो अगर तुसी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो तो वो वधिया है तुहाडे लई, क्योंकि तुसी ऑलरेडी मैं स्टूडेंट्स को कह ही चुका कि जिहड़े ऑनलाइन लगा रहे नैचुरली उन्हां दी जिहड़ी कॉलेज की डेफ पॉलिसी होएगी, रिफंड पॉलिसी तुहाडी फेवर च होएगी, तां ही तुसी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो। तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल वेबफॉर्म ना रेज करन ते उन्हां लई बैटर है। हाँ, इनफॉर्म करन दी किन्हां नूं लोड़ है ध्यान नाल सुन लो। जिन्हां ने अपना इनटेक डेफर किया, जिदा जिन्हों का मई इनटेक कई ने डेफर लिया, कई ने सितंबर इनटेक लिया, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को जरूर वेबफॉर्म के थ्रू एम्बेसी नूं इनफॉर्म करना पेगा। अगर असी नहीं इनफॉर्म करते तो साडा जिहड़ा वीज़ा जनवरी इनटेक तो ही आ जाएगा, तो उत्ते जाके बाद चो फिर तो सानूं एक्सटेंशन लेनी पेगी, क्योंकि साडा कोर्स उत्ते जल्दी वीज़ा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो एंड डेट तक देंदे होंदे ने वीज़ा, जो कोर्स स्टार्ट हो रहा जो कोर्स एंड हो रहा। यह सानू प्रॉब्लम ना फेस करनी पे, इस करके उन्होंने जरूर इनफॉर्म करना चाहिए। सैकेंड, हम कॉलेज ने की चलाकी की है, उन्होंने चलाकी की कि तुहानू दो डेडलाइन देती हैं। मोस्टली जिहड़ियां कॉलेज ने डेफर की डेडलाइन है ना, वो जनवरी लास्ट वीक दी दित्ती हुई हैं, तो एक होर उन्होंने तुहानू डेट दित्ती है, वो हैगी रिफ्यूजल सबमिशन दी। कई स्टूडेंट्स उस गलती कर जाते हैं कि वो समझते कि शायद साड़ी डेफर की डेट ओ वाली है फैबररी की, जबकि वो डेफर की डेट नहीं है, वो सिर्फ हैगा कि तुहानू रिफ्यूजल की सबमिशन देनी है। इस करके आपां नूं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, जिहड़ी तुहाडी डेफर की डेट अगर तुसीं डेफर करना, रिफंड पॉलिसी तुहाडी फेवर च नहीं है, तो वो हुणे जनवरी जिहड़ी लास्ट हैगी है डेट, उस तों पहला अपनी डेफर जरूर लै लो। कोई बड़े सारे स्टूडेंट्स हैगे ने जिन्हां नूं कॉलेज कहिंदा कि तुसीं अपना वीज़ा सानूं इस डेट तक सबमिट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस रहिंदे ने, ते ये बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस च ना रहो, क्योंकि तुहाडे माँ प्यो की हार्ड अर्न मनी है उन्होंने बिल्कुल भी खराब ना करो। अगर वो डिले हो जाता है तो साडे घट्टो घट्ट एक इनटेक के पैसे कट्टे जाने ने। ये ध्यान ना कॉलेज दी फंड पॉलिसीज़ नूं पढ़ लो, उन्हां दी टर्म्स एंड कंडीशन नूं पढ़ लो, तां कि तुहानूं कोई नुकसान ना होवे। इस करके वैसे मैं स्टूडेंट नूं सुजैसट यही करदा कि जिहड़ी पहली डेफर डेट है उस तों पहलां ही डेफरमेंट लै लो, उदों तक जरूरत नहीं है तुहानूं अगों वेट करन दी। जिन्हां नूं मई मिलदी है, सितंबर मिलदी, जिहड़े भी इनटेक दी मिलती तो डेफर लै लो, ताकि अपने आप को सेफ रखो। ये होर भी तुहाडा अगर किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तुसी नीचे सानू दे सकते हो, असी तुहानू उहना क्वेश्चन का आंसर भी दांगे। चाहे तुहाडी फाइल साडे को बैल्स ओवरसीज़ तो लगी है या नहीं लगी, तां भी असी तुहाडी हैल्प करांगे, या तुसी सानू हैल्पलाइन नंबर ते भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.